जान रहे, यथार्थ भी जानेंगे, यथार्थ भी जानेंगे और परमार्थ भी जानेंगे। ध्यान रहे, यथार्थ का बहुत बड़ा विज्ञान है हमारे यहाँ, चाहे वो भाषा शास्त्रीय, काव्य शास्त्रीय और मीमांसा पद्धति से यथार्थ खोजें, या आप अपनी अर्थ चिंतन के माध्यम से जीवन का हेतु क्या है उसको ढूंढें, लेकिन इवेंचुअली अंत में आपको अर्थात की ओर जाना पड़ेगा। अर्थात यथार्थ और यथार्थ का अर्थात क्या है, उसका वस्तु तत्व क्या है, उसका सत्य क्या है। इसलिए यथार्थ के साथ हमेशा अर्थात जोड़ता है भारत, और अर्थार्थ जोड़कर ही आपकी सारी अर्थायाम को, जिसमें न तो अर्थ का अभाव हो और न अर्थ का एकांगी प्रभाव हो। ये दीनदयाल जी ने कहा कि समष्टि और व्यष्टि को साथ साथ लेकर जो परमेष्ठि की ओर केंद्रित हो, हमारा वही अर्थ चिंतन है। तो मित्रों, मैं वाणी को विराम देता हूँ कि ये मेरा मूल में ये है कि हम पश्चिम से आक्रांत हुए बिना, और अगर हम पश्चिम से आक्रांत हुए बिना चिंतन करेंगे तो ये किताब आप देख रहे हैं, इस किताब को जरा देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, 5 बैटल ग्राउंड्स बाय राजीव मल्होत्रा। उसने कहा कि भारत अपने मूल चिंतन के मूल से हटा, संस्कृति के मूल से हटा, अर्थ के मूल से हटा, इसलिए एक डिजिटल कॉलोनाइजेशन में, जिसमें के अर्थ, जिसमें के बुद्धिमंद होकर भारत प्रवेश कर रहा है, क्योंकि आपने उनकी शर्तों को स्वीकार कर लिया है कि डिजिटल कॉलोनाइजेशन इज द एंड ऑफ प्रोग्रेस। तो अगर डिजिटल कॉलोनाइजेशन ही एंड है, तो राजीव मल्होत्रा के ये 5 बैटल ग्राउंड्स को जरूर पढ़िए आप, ये बहुत बड़ी चेतावनी है कि भारत की अर्थ चिंतन कॉन्शियसनेस केंद्रित है, चेतना केंद्रित है, चरित्र केंद्रित है, उनकी अर्थ चिंतन इंटेलिजेंस और मटेरियल केंद्रित है। इसलिए ध्यान रहे, करपात्री जी महाराज ने क्या किया था, राम राज्य और मार्क्स, मार्क्सवाद और राम राज्य पर एक अद्भुत किताब लिखी थी। इसलिए हम लोगों ने अर्थायाम जब वहां पर, जब जब इन बच्चों को वहां पर प्रवेश दिलाया भारत के धर्म केंद्रित अर्थ चिंतन में, तो हमने शुरुआत हिंदू तत्व, सनातन धर्म के मूल तत्वों से किया था, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म से। फिर श्री अरविंदो की उत्तर पारा स्पीच दिखाई थी उनको, फिर हु इज अफ्रेड ऑफ दीनदयाल उपाध्याय इज अर्थायाम, उसके बाद चाणक्य नीति, उसके बाद बुद्धा और कार्ल मार्क्स बाई बी आर अम्बेडकर। क्यों बी आर अम्बेडकर ने एक धर्म केंद्रित इकोनॉमिक मॉडल बताया था भारत के लिए, वो पढ़ने वाला ऐसे है बुद्धा और कार्ल मार्क्स। भूमि सूक्त बाई फ्रॉम अथर्ववेद, मार्क्स और आत्म ये स्वामी करपात्री जी से, राष्ट्र चिंतन बाई दीनदयाल उपाध्याय, द महात्मा एंड द पोइट, जिसमें के स्वदेशी चिंतन महात्मा गांधी का प्रत्याख्यान कैसे किया है टैगोर ने, गांधी के हिंद स्वराज के महत्वपूर्ण अर्थ और शिक्षा, उसके बाद साई दीपक का इंडिया दैट इज भारत, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जैसे राजीव मल्होत्रा की किताब है, उसके बाद गांधी समय के साथ और समय के पार, ये अंबिका दत्त जी का व्याख्यान था, और फिर राजा राव का द मीनिंग ऑफ इंडिया, जिसमें कि वो कहता है कि भारत इज नॉट मियरली ए देश, भारत इज ए दर्शन, है ना। और फिर उसके बाद ए पब्लिक लेक्चर बाई आर सी शाह, रमेश चंद शाह का एक नॉवल है विनायक, उससे हमने उद्धरण दिए थे कि भारत का अर्थ चिंतन क्या है। फिर मानसिक पराधीनता बाई प्रेमचंद, उसके बाद राजीव मल्होत्रा की इस पुस्तक से दिया, फिर धर्मपाल की द ब्यूटीफुल ट्री, जिसमें पूरी कॉलोनियल इकोनॉमी और पाश्चात्य अर्थतंत्र की जो क्रिटिक है जो कितनी है। इसके बाद वीर सावरकर का एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व पढ़ाया गया इनको, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एजेंडा है उसके 17 तत्वों का विवेचन हुआ, उसके बाद आपकी इला भट्ट जी का एक अनुबंध नाम से अर्थायाम है, इकोनॉमिक थिंकिंग है, उस अनुबंध की व्याख्या की गई, और अंत में हमने कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का स्वराज इन आइडियाज, और इसी के साथ संस्कृत वांग्मय के, आप जरा पूछिए अंबिकेश जी बैठे हैं, शुक्र नीति, मनुस्मृति, उपनिषद, वेद, महाभारत, रामायण से लेकर आनंद कुमार स्वामी तक, किस प्रकार से संस्कृत वांग्मय में श्री अरविंदो के सहित किस प्रकार से एक बड़ा अर्थ चिंतन की कितनी गहराई और कितने पक्षों का उद्घाटन हुआ है, ये हमारे युवा चिंतकों को, हमने कहीं इकोनॉमिक थिंकिंग नहीं की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेस्टर्न मॉडल ऑफ अर्थ चिंतन, दैट इज हमें इकोनॉमिस्टिकली नहीं सोचना है, वी डोंट वॉन्ट टू मेक एन इकोनॉमिक ह्यूमन, ध्यान रहे हमें इकोनॉमिक ह्यूमन नहीं बनाना है, हमें एक सृष्टि के पूरे सृष्टि से संवेदित एक मानव का निर्माण करना है, जिसमें कि एकात्म मानव दर्शन जो है वो
एकात्मक जीवन दर्शन है, एक्चुअली एकात्म मानव दर्शन में भी थोड़ी त्रुटि है, हमें एकात्म जीवन दर्शन की ओर जाना होगा, जिसमें के अर्थ एक निमित्त है, एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, अर्थ साध्य नहीं है। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब, जितने व्यापक और सूक्ष्मता से आपने ये सारी बातें हमारे सामने रखी हैं वो वाकई बहुत प्रशंसा के योग्य है, और उसके लिए पूरा एक मुझे पूरा एक लेक्चर चाहिए। और मुझे पहले पता होता तो थोड़ा सा हम परिवर्तन और कर लेते इस सारे विषय में, लेकिन दूसरों के मॉडल को चुनौती देना वो बहुत आवश्यक है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि हमें अपनी टर्म्स में अपने रेफरेंस पॉइंट पे सोचना चाहिए, और सोशल साइंसेस ने यहीं पर भारत को धोखा दिया है। उन्होंने कभी भी अपने रेफरेंस पॉइंट में विचार नहीं किया, जो विकास किया सोशल साइंसेस में वैसा कुछ भी उन्होंने जो है नहीं किया, और यहीं पे गड़बड़ हुई है। तो ये कोशिश है कि उनके मॉडल को चुनौती दें और उसके बदले में अपनी स्थापनाएं करें। परमत खंडन और स्वमत स्थापन ये तभी हो सकता है। तो निश्चित रूप से मैं आपकी बातों को पे और भी कई पक्षों को मैं समझ पाया हूँ और देख पाया हूँ, और भी हमारे साथ जुड़े हुए लोगों ने जिज्ञासुओं ने उस बातों को समझा है और बहुत अप्रिशिएट किया है। और निश्चित रूप से इसका मुझे लगता है पार्ट टू हमें करना होगा, और बहुत जल्दी ही उसको हम लेंगे। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा और आगे चलना चाहता हूँ, क्योंकि समय के साथ भी हमें थोड़े से दौड़ लगाने वाली बात हो जाती है कई बार। तो आज के हमारे जो दूसरे मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी, जो दर्शन विभाग में हैं, बुद्ध स्टडीज में हैं, और नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एथिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर उन्होंने बहुत सूक्ष्मता से काम किया है और बड़ा व्यापक दृष्टि से काम किया है। तो समय ना लेते हुए मैं उनको आमंत्रित करूंगा, लेकिन स्लाइड पर आप ये देख सकते हैं कि एक और इकोनॉमिक्स के बारे में ये फंडामेंटल ये सवाल रहते हैं, तो दूसरी तरफ हमें एक सेंसिबिलिटी दी जाती है, एक सेंसिबल इकोनॉमिक्स की बात वो करते हैं। और मुझे लगता है कि ये शब्द बहुत अप्रोप्रिएट रहेगा कि अगर हम ये सारी इकोनॉमिक्स को इकट्ठा करके अगर हम सेंसिबल इकोनॉमिक्स के ऊपर आए कि वो क्या हो सकती है, तो जिसमें कि दानम भोग नाश तीन गतियां जो हैं धन की होती हैं, जिसमें से जो यो न ददाति न भुंगते तस्य तृतीय गतिर्भवति। तो यहाँ से कहीं से हमें इन सूत्रों को लेना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी को कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें, और समय को थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि बाकी लोगों को हम चर्चा के लिए समय दे सकें। जी धन्यवाद। अभी सुधीर कुमार जी के आख्यान के उपरांत मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उन्होंने जिस प्रकार बातों को अपनी चेतना के अंतर्गत रखने का प्रयास किया है वह श्लाघ्य, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं भी अपना आरंभ अथर्ववेद से करता हूँ। और वह कहता है सत हस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकीर, सौ हाथों से कमाओ और हजार हाथों से उसे वितरित करो जरूरतमंद लोगों। और इस दृश्य से अगर हम पाश्चात्य पैमाने को देखते हैं तो सुधीर कुमार जी के वक्तव्य से यह स्पष्ट होता है कि वहां पर धन संचयन की बात चलती है। एडम स्मिथ ने कहा था इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ, और हमारे वही कार्य आर्थिक कार्य हैं जिनके माध्यम से हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, और वे कार्य आर्थिक नहीं हैं जो केवल लोक कल्याण की दृष्टि से किए जाते हैं। और जहां एडम स्मिथ जो वस्तुतः अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं, जब पाश्चात्य देश का आरंभ ही इस प्रकार होता हो तो आप सोच सकते हैं कि उनकी शोषण परक और पूंजीवादी व्यवस्था कितनी तेजी से विकसित हो गई है। और अब प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि हमें किस प्रकार के नीति शास्त्र, किस प्रकार के अर्थशास्त्र में प्रविष्ट होना चाहिए। पाश्चात्य मॉडल तो हमारे सामने है, स्वर्ण संग्रहित करो
पीली धातु संग्रहित करो, ये जो है हमारा मर्केंटाइल जो इकोनॉमी है वह कहता है कि इसको ये करो। वहां का जो कृषि है वह कहता है कि संचित करो, संचित करो और अपने प्रोडक्शन को इतना बढ़ा दो कृषि प्रोडक्शन को कि दूसरे हमारा धन इतना संचित हो जाए कि हमें फिर दूसरे के लिए मैंने आस जोड़ने की आवश्यकता ना पड़े। और तीसरा कहता है कि हम संचित इसलिए करते हैं क्योंकि हम विनष्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर संचित नहीं करोगे, जमा नहीं करोगे तो विनष्ट हो जाओगे। और रिकार्डो एक अर्थशास्त्री है, वह कहता है कि ठीक है वेज की कटौती करो जिससे हम अधिकतम लोगों को जो है रोजगार दे सके। अब यहां हमारे सामने एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि हमारी दृष्टि केवल अर्थार्जन की होनी चाहिए या नीति पर अर्थार्जन की होनी चाहिए। अभी इन्होंने सुधीर कुमार जी ने बड़ी अच्छी बात की है चार पुरुषार्थों की, और सबसे पहले जो पुरुषार्थ आता है वह धर्म और दूसरा आता है अर्थ। अगर हम अर्थार्जन करते हैं तो हमें नीति परक और धर्म परक अर्थार्जन करना चाहिए, हमें इस प्रकार की शोषण की व्यवस्था में नहीं जाना चाहिए जो वस्तुतः पाश्चात्य देशों के द्वारा उद्भूत हुआ है। हम केवल धन संग्रह ना करें, हम केवल जो है लोक संग्रह की बात वह करते हैं, हमारे यहाँ सबों की बात की जाती है। और इस दृष्टि से दो प्रकार की दृष्टि आ जाती है, एक तो है पाश्चात्य देश का, और पाश्चात्य देश में भी दो प्रकार के विचार आते हैं, एक मार्क्सिस्ट है, लेनिनिस्ट है, स्टालिनवादी है, वो पूंजीवादी के विरोधी हैं, और दूसरा है जो पूंजीवादी व्यवस्था है। और इन दोनों व्यवस्थाएं यह दावा करती है कि हमारी ही व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, क्योंकि पूंजीवादी धन संग्रह पर जोर देता है, यह कहता है कि ज्यादा धन संग्रह करोगे तो एक क्रांति आएगी और रक्त क्रांति के द्वारा सबों को जो है वितरित किया जाएगा, और दोनों ही हमारी दृष्टि से अनुचित प्रतीत होती है। और इस दृष्टि से अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि हम अपने सस्टेनेबल लाइफ के लिए और सस्टेनेबल समाज के लिए धन संग्रह करें और उसे उसी प्रकार वितरित करें। और यह मनुष्य का जो है कहता है मनुष्याणाम वृत्त्यर्थ, यह मनुष्य की वृत्ति है, हमें ऐसा कहना चाहिए, करना चाहिए। और इसीलिए यजुर्वेद में भी कहा गया है अन्नपते अन्नस्य नुदेहि, वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें अन्न दो, और हमें अन्न इसलिए दो कि हम सबों का पेट भर सके। फलवत्थ औषधया नोपपच्यताम, हमें फल दो जिससे कि सबों का जो है पोषण हो सके। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं जैसे अभी सुधीर कुमार जी ने कहा कि कुर्वन्नेह कर्माणि जीजीवित इच्छा सम, तो हमें निरंतर कार्य करते रहना है। तो हमें ऐत्रेयी ब्राह्मण में भी कहा गया है चरवण्येह मधुवंती विदंती, हम सतत कार्य करते रहें, किसके लिए, तो समाज के कल्याण के लिए और समाज के आर्थिक पोषण के लिए, सामाजिक पोषण के लिए। और तब नचिकेता कहता है न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, हमें तो काम करना ही है लेकिन हमें वित्त यानी अर्थ के भी प्राप्ति करनी है, क्योंकि अगर भी प्राप्ति नहीं करेंगे तो मनुष्यों को हम तर्पण कैसे करेंगे, उसका हम वितरण कैसे करेंगे। तो हर व्यक्ति को कार्य में संलग्न रहना है। और उसी प्रकार याज्ञवल्क मैत्रेयी को कहते हैं कि मुक्ति की भी परिकल्पना, भी सुधीर कुमार जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम मुक्ति की परिकल्पना अर्थ को और समाज को छोड़कर नहीं कर सकते हैं, काम को छोड़कर नहीं कर सकते हैं। और यही बात जो है कहते हैं अमृतस्य तु नास्ति वेत्ति नति, क्योंकि अमृता की प्राप्ति तभी आप कर सकते हो जब तुम्हारे समस्त प्रकार के अर्थ के भी ये तुष्ट हो चुके हैं, काम भी तुष्ट हो चुका है, और सारे कार्य अपने धन के आधार पर अगर आप करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप
मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं, और क्योंकि मोक्ष हमारा परम पुरुषार्थ है और इन समस्त पुरुषार्थों के पोषण के उपरांत ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत कहती है कि यावत् प्रियते जठरं तावत् सत्वं हि देहिनां अधिकं यो भिजन्ते स्तेनो दण्डमर्हसि। अगर तुम इस सम्यक रूप से कार्य को नहीं करोगे, अगर अपनी प्रॉपर्टी को, अपने धन को अनैथिकल ढंग से, अनैतिक ढंग से संग्रह करते रहोगे तो तुम दंड के भागी भी हो सकते हो। तो इस प्रकार की स्थिति हम देखने को हमें मिलता है भारतीय दर्शन में। भारतीय मनीषियों ने इस प्रकार की बातें कही है। हमारे सामने एक दिक्कत क्या हो जाती है कि हमारे मित्र कहते हैं कि ये बौद्ध दार्शनिक हैं, मैं बौद्ध धर्म पर ही हूं तो मुझे आवश्यक रूप से जो है मुझे बुद्ध पर भी कुछ बात कहने की आवश्यकता हो सकती है। यह सामान्य धारणा है कि व्यवसाय और नैतिकता एक साथ नहीं चलती, क्योंकि व्यवसाय का उद्देश्य अधिकतम आय का अर्जन है तो वहां नैतिकता की अनदेखी होने लगती है, उत्पादन और उत्पादों का सम्यक वितरण प्रभावित होने लगता है, और इस कारण ही नीति शास्त्र का उद्देश्य व्यवसायिक व्यवस्था एवं कार्यकलापों में उत्पन्न नैतिक समस्याओं की समीक्षा करना हो जाता है, और कॉर्पोरेट जगत के भी इसमें सामाजिक दायित्व भी समाहित हो जाते हैं। इसके माध्यम से व्यवसायिक संस्थाएं जनहित में अपने कार्य संचालित करती हैं, जैसा कि मैंने बताई। और इस दृष्टि से जब हम बुद्ध की के दर्शन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम पाते हैं कि बुद्ध ने बराबर ही चरित्र एवं व्यवहार के मूल्यों को समाहित करने का निर्देश किया है। व्यवसाय जगत में अवमूल्यों का मिथ्या उसको छल बेईमानी आदि मूल्य के रूप में जो ग्रहण कर चुके हैं और उसके आधार पर जो मुनाफे की परिकल्पना की जा रही है उनकी दृष्टि में यह सर्वथा अनुचित है। वस्तुतः व्यवसायिक परिदृश्य में नैतिक मूल्यों के दूरगामी लाभ हो सकते हैं और होते हैं, और मूल्य पर कार्य संस्कृति प्रबंधन एवं श्रमिकों की कार्य कुशलता तथा औद्योगिक एवं व्यापारिक उपक्रम के सफल प्रदर्शन के कारक हो सकते हैं। इस कारण ही बुद्ध ने सामान्य जीवन में भी सद्गुणों के अनुपालन की बात कही। जी जी। अब प्रश्न उठ खड़ा होता है कि व्यवसाय में प्रबंधन श्रमिक दोनों ही रहते हैं और उनका समन्वयात्मक सहयोग अपेक्षित है, और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि किसी भी उपक्रम में ऐसे व्यक्तियों का सहयोग या संलिप्तता नहीं होनी चाहिए जो केवल अर्थ संग्रह में लगे हुए हों, जो मात्र अपना ही जो है संचित करने में लगे हुए हों, उसे जन कल्याण के लिए विकसित नहीं करते हों, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का हमारे साथ रहना अन्यथा नितांत अनुचित है। और इस प्रकार अनेक सारे की बातें होती है, और वो यही नहीं, वो कहते हैं कि हमें नियोक्ता और नियोजन के भी संबंध में भी बहुत सारी बातें वो करते हैं। व्यवसाय या उद्योग बड़ा हो या छोटा, उद्देश्य की ही ओर गतिमान होता है, अतः इसमें संलग्न व्यक्तियों के मध्य सामंजस्य अपेक्षित है और उनके समन्वयात्मक सहयोग में ही संपूर्ण सदुपयोग भी संभव है और सब व्यवस्थाओं की लक्ष्य की भी प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए बुद्ध ने एक व्यापारी पुत्र सिंगाल को यह बताते हैं कि मित्र, सहयोगी एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए मिल मालिक या प्रबंधन का व्यक्तित्व का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसे किस प्रकार कार्य करना चाहिए उसके, क्योंकि मजदूर कर्मचारी ये उस व्यवसाय के आधार स्तंभ हैं और ये सब किसी भी व्यवसायिक उपकरण के पंख हैं, अतः भौतिक या भावात्मक सभी प्रकार के सुख सुविधा का ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है, मिल मालिक का कर्तव्य हो जाता है। और इसलिए वे कहते हैं एतेपि मित्त चत्तारो इति विज्ञाय पंडितो सकच्च पायस माता पुत्र व ऊरसंग, और उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करें, उनके साथ मित्रवत संबंध स्थापित करें, उनके साथ एक पारिवारिक संबंध स्थापित करें, और ऐसी स्थिति में ही आपका
सर्वाधिक विकास संबंध है, सर्वाधिक अर्थार्जन भी संभव है और दूसरे का कुशल भी संभव है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा संक्षेप करेंगे क्योंकि समय की सीमा। हाँ जी, यही नहीं, हमारा जब सिंगाल सूत्र में दो तीन बातें दे देती है जो मैं मैंने बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो कहते हैं कि जब हमारा अभी हमारे क्या कहते हैं सुधीर जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, जब केवल भौतिक उत्पाद तेज होता है और भौतिक विकास होने लगता है तो उससे बहुत सारी बातें आती है। भौतिक स्तर पर टोपोग्राफी तक बदल जाता है, जंगल काट दिए जाते हैं, कल कारखानों प्रदूषण जो है उत्पन्न होने लगता है, लोगों को अपने स्थान से उखाड़ कर दूसरे जगहों पर माने रख दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई भी हमें करना चाहिए और उनके मनोवैज्ञानिक माने जो दंश होता है अपने स्थान से दूर होने का उसका भी करना चाहिए। और इस प्रकार एक है बुद्ध ने यज्ञ की जो परिकल्पना की है वह यज्ञ की परिकल्पना भी अपने आप में हमारे क्या कहते हैं यज्ञ की परिकल्पना भी आर्थिक दृष्टि से उन्होंने की है। और वह कहते हैं कि वे कहते हैं कि जब मनुष्य में पैसे की कमी हो जाती है तो बाहर से आके बसे लोग अराजक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें लोगों को कृषि एवं गोपालन हेतु बीज और धंधे व्यवहार के लिए पूंजी भी देनी चाहिए, जो नौकरी में आवे उन्हें सम्मानित जीवन बिताने के लिए योग्य वेतन देना चाहिए और इससे उपकृत होकर अप्रवासी जन ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे देश की अशांति बढ़ेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि नीति आधारक तर्क अर्थशास्त्र ही हमारे समस्त प्रकार के आर्थिक व्याधाओं के को दूर करने में समर्थ हो सकते हैं और हमारा सम्यक विकास संभव हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सुधीर जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, इन्होंने विषय को आलोकित करने का प्रयास किया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और ये पक्ष नहीं हमारे ध्यान में था और विशेष रूप से बुद्धिज्म का पक्ष लोग नहीं जानते हैं, इसलिए आपसे मैंने विशेष निवेदन किया था कि बुद्धिज्म का ये पक्ष आना बहुत जरूरी है क्योंकि बुद्धिस्ट इकोनॉमी जो है उसको, बल्कि अभी पढ़ते हुए भी मेरा ध्यान गया था कि इकोनॉमिक्स ऑफ सम्यक्ता, कि सम्यक इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, वो सम्यक्ता इकोनॉमिक्स में से मिसिंग हो गई है। वो सेंसिबिलिटी वहीं से आएगी और निश्चित रूप से इसके ऊपर और व्यापक विचार करने की मुझे लगता है बहुत गहरी अपेक्षा है और बहुत ज्यादा हमें इस विषय को विस्तार से देखना और समझना होगा। निश्चित रूप से आपने हमारा ज्ञान वर्धन किया है, दृष्टि को व्यापक किया है, तो उसके लिए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन थोड़ा क्योंकि समय की सीमा है और समय को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा अग्रसर होते हैं, तो मैं इसी के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शर्मा जी को, जो कि चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ गांधीयन एंड पीस स्टडीज के। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात हमारे साथ साझी करें कि गांधीयन पर्सपेक्टिव जो इकोनॉमिक्स का रहा है और जिस तरह की बातें उन्होंने इकोनॉमिक्स को लेकर के की हैं, नेहरू ने तो उसमें से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, ये एक दुख की बात जरूर लगती है, लेकिन हमारा कंसर्न यहाँ पे है गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, उस पे हम उनकी बात सुने। लेकिन उससे पहले दो शब्द संस्कृत में और बड़े कमाल के प्रयोग होते हैं और मैं अपेक्षा भी कर रहा था कि सुधीर जी और अविनाश जी उस पर बात करेंगे कि भोग और प्रभुता, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि भोग का मतलब है अपने लिए बहुत सारे भोगों को इकट्ठे करते जाना, उपभोग की वस्तुओं को इकट्ठा करना, और प्रभुता का मतलब है कि उन उपभोग की वस्तुओं को इकट्ठा करके दूसरे को ईर्ष्या का भाव देना, जैसे कि आप ये ऊपर स्लाइड में देख सकते हैं कि इसी तरह से ये चल रहा है, ये भोग और प्रभुता की लड़ाई सारी की सारी इकोनॉमिक्स की बन के रह गई है। तो इकोनॉमी तो बीच में से चली गई है, ये भोग और प्रभुता ये दो विषय रह गए हैं। तो निश्चित रूप से गांधी का पर्सपेक्टिव इस पे क्या रहा है, ये एक देखना होगा। और एक बात और कहकर के मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मनीष जी को
डॉक्टर साहब ने वो ये सारी बातें कर दी थी, सुख से मूलम धर्म, ये सारी बातें हो गई थी, धर्म से मूलम अर्थ और अर्थ से मूलम राज्य। कौटिल्य ने ये बातें कही हुई हैं, लेकिन उसमें हम नहीं जाते। लेकिन मुख्य जो मेन बात है, स्लाइड के नीचे की ओर अगर आप देखें लेफ्ट साइड में, तो यज्ञ का मतलब केवल अग्नि जलाना नहीं है, यज्ञ का मतलब है अर्जन और वितरण, कि आप जो है आपका राइट है कि आप अर्न करें, लेकिन यू आर ड्यूटी बाउंड टू डिस्ट्रीब्यूट। तो जो कुछ आप अर्जित करते हैं उसका वितरण करने का एक तरीका है यज्ञ। और यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो योग और क्षेम का। योग का मतलब है कि जो कुछ आपने अभी तक समाज ने प्राप्त नहीं किया उसको वो प्राप्त करे, और क्षेम का मतलब है जो उसने रक्षा करनी है, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। और इस सारे का जो अर्थशास्त्र है वो पुरुषार्थ के साथ साथ जाके जुड़ता है, जिसकी डॉक्टर सुधीर जी ने और अविनाश जी ने सारी की सारी बात की है। लेकिन कुल मिलाकर के जो हम इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जो मॉडल डिजाइन करेंगे, वो यही बनता है कि सुख से मूलम धर्मा, धर्म से मूलम अर्था। तो वो अर्थ के जो है उसको हमें नियंत्रित करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जो उसकी मैनिफेस्टेशन है वो धर्म के माध्यम से हो, वो सेंसिबल हो, उसमें संवेदनशीलता हो, वो कॉम्पिटिटिव ना हो। तो इन बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको मैं ओपन हाउस डिस्कशन में आप लोगों के साथ लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शर्मा जी को, जो कि अध्यक्ष हैं गांधीयन स्टडीज डिपार्टमेंट के। डॉक्टर मनीष जी। धन्यवाद आशुतोष भाई। सबसे पहले तो मैं क्लेरिफाई कर दूं, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, नो डाउट कि गांधीयन एंड पीस स्टडीज से हूं, बट सुधीर जी और अविनाश जी के सामने मैं भी एक बच्चा हूं, और अविनाश जी से हमारा ये इंडियन सोसाइटी ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज है उसमें बहुत पुराना रास्ता है उनके साथ, और उनका उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। और सुधीर जी ने जैसे अपनी बात कही कि गांधीयन इकोनॉमिक्स के ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है, और गांधी की जो इकोनॉमिक्स का उसको अगर समझ लेंगे तो शायद हमारे बहुत सारे जो डायमेंशंस हैं और जो बहुत सारी जो इश्यूज इस टाइम हमारे सामने खड़े हो रहे हैं वो शायद क्लियर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो आपने कही है कि गांधी की इकोनॉमिक्स को शायद बहुत सारे लोगों ने समझा नहीं है, और सबसे बड़ा एग्जांपल उसमें नेहरू का आपने दिया है, बिल्कुल सही कहा है। अगर मैं आप सबको अगर लेके चलूं कि गांधी की जो स्टडी है, नेहरू जी की जो स्टडीज़ हैं और सरदार पटेल की जो स्टडीज़ हैं, वो तीनों की तीनों ही लंदन से हैं, और तीनों के जो पर्सपेक्टिव है वो तीनों में ही बहुत फ़र्क है। उसका फ़र्क क्या है? फर्क ये था कि गांधी ने उन सब चीजों को माइन्यूटली वहां देखा था कि किस वजह से अगर एक जो गरीब मजदूर है अगर उसके घर में एक दिन चूल्हा नहीं चलेगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी क्या और इश्यूज हैं, जिसको कि शायद आज की डेट में अगर हमारे अर्थशास्त्री अगर शायद समझ जाएंगे तो शायद ये विडम्बना जो हमारे सामने अभी इस टाइम जो कोविड के टाइम भी जो सिचुएशन अराइज हुई थी, जिसमें कि हमारे बहुत सारे जो मजदूर भाई लोग थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ा था। तो मेरा स्पेसिफिक जो टारगेट इन स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ भी मैं कहूँगा कि ऐसी क्या बात है कि वहाँ जो स्टेट से जो दूसरे जगह पर जो लोग पलायन कर रहे थे कि उनको दूसरी जगह पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना पड़ा, वो क्या वो राज्य इतने सक्षम नहीं थे कि वो अपनी जगह पर उन चीज़ों को प्रॉपरली वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, और जब वो लोग वापस चले गए हैं फिर वापस उनको उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वापस पलायन करना पड़ेगा पंजाब और दूसरी जगहों पर। तो गांधीयन इकोनॉमिक्स इसका एक सोल्यूशन हो सकती है, और शायद केसी कुमारप्पा की जो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस जिसके बारे में सुधीर जी भी बात कर रहे थे वो एक सोल्यूशन हो सकती है, बट उसके लिए आपको जो एक जो मूल जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत आपका मानवता का है, वो शायद आज के जो अर्थशास्त्री हैं वो शायद इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी बात कि अगर हमें गांधीयन इकोनॉमिक्स को समझना है तो उसके मूलभूत जो सिद्धांत हैं, जिसमें कि उन्होंने जो एक छोटी सी किताब थी ऑन टू दिस क्लास जॉन रस्किन की, जब उसको पढ़ा था तो अपने आप को उन्होंने टोटली कन्वर्ट किया था एक आश्रम लाइफ में,
आश्रम लाइफ में कन्वर्ट करने के साथ के साथ ना केवल उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखा, बल्कि अपनी सेंसेस पर और बाकी दूसरी जो अपनी जो हम कह रहे थे ना कि आशुतोष जी ने आपने कहा था ना कि एक एक मैं अगर आज की डेट में अगर उसको भोग प्रभुता का अगर उसको कहें कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों है, तो आज की जो अवधारणा जो हो गई है वो यही है कि मेरे पास अगर जो चीज है तो दूसरे के पास वो चीज नहीं होनी चाहिए, या हम लोग कहें कि शॉर्टकट जो टर्मिनोलॉजीज है या शॉर्टकट जो रास्ता है हम उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करते जा रहे हैं ताकि हमें जो रिजल्ट्स हैं वो जल्दी मिल जाए, बट हम जो मीन्स को जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो अपने आप में सबसे बड़े गलत हैं। जबकि गांधी के अगर मीन्स की अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो शायद गांधी ने कभी भी बैड मीन्स का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे जो मीन्स हैं वो प्योर होने चाहिए और जो मेरा एंड रिजल्ट है वो अपने आप ठीक आएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि हमें समझना पड़ेगा कि अगर गांधी की अगर जो आइडियोलॉजी थी जिसको कि नेहरू और बहुत सारे लोगों ने नकार दिया था और एक तरीके से कहा था कि ये हमारे उसके फायदे के लिए नहीं है, बट गांधी ने कहा था कि मैं इस मॉडर्न मशीनरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट वो मशीनरी जो कि मानवता को खत्म कर दे, जो एक दूसरे का शत्रु बना दे, मैं उस मानवता के खिलाफ हूँ। तो ये बात एक समझनी पड़ेगी हमारे को कि गांधी इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ नहीं थे एज सच, बट लेकिन वो लोगों को काम देना चाहते थे। प्रोडक्शन बाय द मीन्स फॉर द मीन्स होना चाहिए था कि आप अपने इन हाथों को जब तक काम नहीं देंगे तो शायद हम लोग शॉर्टकट जो तरीके हैं वो अपनाएंगे। तो शायद एक ये एक 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 जो रिक्वायरमेंट थी गांधी की जो कि शायद नेहरू और बहुत सारे लोग समझ नहीं सके, और गांधी ने कहा था कि ये मेरा ये मानव शरीर जो है वो भी एक तरीके से एक मशीन है, बट जब इस मशीन में अगर कोई खराबी है या उसका अगर उपयोग अगर वो नहीं ठीक से कर पा रही है तो मुझे उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो सेम इज विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन आल्सो, पर गांधी ने कहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज जस्ट लाइक ए स्नेक होल विच मे कंटेन फ्रॉम 1 to 100 snakes, कि वो उसमें एक से लेकर 100 सांप भी हो सकते हैं, बट वो सारे सांप जहरीले नहीं हो सकते, बट आप उसमें से क्या अच्छा निकाल रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर एक जो चीज जो गांधी ने कहा था कि जो भी थोड़ी सी अविनाश जी ने भी इस बात को टच किया था कि जो कृषि जो है वो मानवता का सही मायनों में एक ऐसी चीज है जिसको कि हर किसी को अपनाना चाहिए था, और ये बात लियो टॉल्स्टॉय ने भी कही थी कि एग्रीकल्चर इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर द ह्यूमैनिटी। पर आज की डेट में हमें अभी जो तीन जो लॉज और जो सब चीजें, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट लेकिन जिस हिसाब से उन चीजों पर बात हुई और जिस हिसाब से उनको दरकिनार करके हम लोगों ने उनके ऊपर सब चीजें करनी शुरू की, और जिस हिसाब से एक मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स की तरफ हम लोग अपना कर रहे हैं कि हम उनसे तो कम पैसे में खरीद रहे हैं बट आगे वो बहुत ज्यादा पैदावार का जो है उसका जो हिस्सा है उसका जो मुनाफा है वो हम खुद गेन कर रहे हैं। अगर आपने गेन करना है तो आप उन किसानों को भी दीजिए तो वो भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, वो अपने आप अपनी जो फसल आपको देने के लिए तैयार होंगे। तो यहाँ एक गांधी इकोनॉमी जो है वो सिर्फ ना केवल एक एक आदमी के लिए बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए बात कर रही है, जो भोग एंड मेटलिस्टिक कंफर्ट की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो गांधी ने गांधी के उसमें ये चीज नहीं थी, गांधी के उसमें था कि जिसने जो काम किया है उसको उसका अधिकार वो मिलना चाहिए, बट हम उस अधिकार को क्यों नहीं दे पा रहे, एक ये भी बात समझने वाली है। और रही बात नेहरू की और दूसरे और जो लीडर्स की जिन्होंने कि गांधी को नकारा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जरूर इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हमने गांधी को दरकिनार करके एक बहुत बड़ी भूल की थी। और गांधी ने इकोनॉमिक्स के साथ एक और जो बात मैं जो आज की डेट में जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस हिसाब से हम लोग ये बात करें कि हम जो हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो शायद एक कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, और आज के डेट में हम लोग फिर से भोग विलास की चीजों पर वापस आ रहे हैं, पर शायद जो कोविड की जो सिचुएशन है शायद उसने एक हमें एक वापस एक समझने का एक एक वापस इन चीजों पर वापस लाने की कोशिश की है कि भोग विलास चीजों से कुछ संभव नहीं है। अगर हमें वापस अगर जिंदगी को जीना है तो उसके लिए हमें वापस अपने जो पुराने जो चीज है जो हमारा जो नेचर की तरफ जो जाने की जो चीज है वो हमें वापस आने पड़ेगी। तो अभी समय कम है, आशा करूंगा कि कुछ क्वेश्चन अगर होंगे तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच आशुतोष जी, थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर मनीष जी, आपने बहुत सुंदर और बड़े सही सटीक तरीके से जो गांधीयन पर्सपेक्टिव है इकोनॉमिक्स का वो हमारे साथ साझा किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से इन
ऐसे विषयों को हमें पुनः लेना होगा और गांधी को नए पर्सपेक्टिव में देखना बहुत आवश्यक है। तो क्योंकि समय की थोड़ी सीमा है, इसलिए मैं ज्यादा और कमेंट ना करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चौथे वक्ता को, मुख्य वक्ता को, प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी को, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं पॉलिटिकल साइंस विभाग के आरकेएसटी कॉलेज कैथल से। वो गीता के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स जो है कि लोक संग्रह में कैसे सहायक हो सकती थी और किस दृष्टि से वो दैवी और आसुरी संपदा के साथ वो तालमेल उसका बैठता है, उस सारे विषय को वो बहुत संक्षेप में हमारे साथ साझा करें। लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान दोबारा आप लोगों का ध्यान इधर की ओर ही आकर्षित मैं कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स को जिस रूप में वेस्ट समझता है उससे नितांत एक भिन्न दृष्टि से इंडियन पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक्स का रहा है। वो इकोनॉमिक्स मनुष्यता के पर हावी कभी नहीं हुई, इसीलिए ये जो श्लोक आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अति तृष्णा न कर्तव्या तृष्णाम नैव परित्यजेत, शनै शनैश्च भोक्तव्यं स्वयं वित्तम् उपार्जितम्। कि पहला बात है कि स्वयं उपार्जित किया हुआ जो धन है, वित्त है, वो धीरे धीरे भोगना चाहिए। एक साथ नहीं कि भाई ठीक है आज मिल गया है और टेक्नोलॉजी की उसमें सहायता मिली है तो जो है वो सारा सारा भोग। जो कि हमें वेद और डेवलप करने के लिए उसी के बारे में बात करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर आर। अशतो जी आवाज आ रही है मेरी? अशतो जी आपकी आवाज नहीं आई थी मेरे को, तो मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, आ रही है आपकी आवाज, खूब आ रही है। अच्छा धन्यवाद जी, आवाज बहुत अच्छी आ रही है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। समय को देखते सर मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूँ, जैसे कि आपका आदेश हुआ था। वास्तव में मैं एक बात अपनी बात कहने से पहले कहना चाह रहा हूँ कि जो सुधीर जी ने बहुत सही बात कही थी कि किस प्रकार से पश्चिम और हमारी अवधारणा में अंतर है, और इसी संदर्भ में मैं बताऊँ जो सुधीर जी ने कहा ये बात वास्तव में देखा जाए तो जब हमारा संविधान बनाए तब भी आई थी, और इसमें डॉक्टर रघुवीर जी ने 19 नवंबर 1949 को कहा भी था कि हमने दिक्कत क्या है हमारी। इस संक्षेप में बता रहा हूँ सर कि उन्होंने तीन शब्द बोले, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, बोले ये तो हमने ले लिया, लेकिन अपने जो था राम राज्य मत्स्य न्याय उसको नहीं लिया। तो समस्या हमारे यहाँ यही है, और इसी में आपको उत्तर मिलेगा आपके पहले तीन प्रश्नों का भी। यदि हमने अपनी संस्कृति और उसके मानकों का अध्ययन किया होता, जैसे आपने कहा कि हम मानते तो हैं शास्त्रों को लेकिन जानते नहीं है, यही एक बहुत बड़ी समस्या है। अब मैं आ रहा हूँ आज के अपने विषय पर सर। जैसे कि आपने कहा, वास्तव में यदि आप देखें भगवद गीता, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं सर कि भगवद गीता का संबंध किसी पंथ से नहीं है। मेरा अपना मानना है कि भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश है वो अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति के लिए है, वो ना कोई 17वीं शताब्दी के लिए, ना 19वीं या 21वीं या 22वीं, ऐसा कुछ नहीं, सर्वकालीन है। और इसमें यदि आप देखें अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख तृतीय अध्याय में अर्जुन ने पहला प्रश्न यही किया था, कहा था कि यदि आप समझते ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म में क्यों लगाते हैं, इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो इसका उत्तर देते हुए विस्तार से 20वें श्लोक में राजा जनक जैसे अन्य राजाओं को उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लोक संग्रह को देखते हुए तुझे कर्म करना चाहिए। शब्द यहाँ पर आया है सर लोक संग्रह। लोक संग्रह आज के साधारण भाषा में हम कहें तो आप इसे लोक कल्याण कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य
किसके लिए करना चाहिए? लोक संग्रह के लिए। और इसीलिए देखें आप, लोक संग्रह को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? लोक संग्रह को आप करने के लिए आपको यज्ञ प्रक्रिया में आना होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कह रहे हैं कि यज्ञ की प्रक्रिया क्या है, सहयज्ञ, सभी को मिलकर यज्ञ करना है। यज्ञ का यहाँ पर अर्थ क्या है कि आप अर्पण का भाव रखते हैं, और इसी में उन्होंने प्रयोग किया इस श्लोक में ही कामधेनु कामधुक, कि यदि आप सब मिलकर सहयोग से यज्ञ करेंगे तो आपको कामधेनु, जो कि एक प्रतीक है हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, जो हमारी यथेष इच्छाएं हैं उनको पूरा करने वाली, तो इसलिए आपको करना होगा यज्ञ प्रक्रिया को अपनाना होगा। और यज्ञ प्रक्रिया आप कब अपना सकते हैं कि जब आप में समर्पण भाव हो। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा, यत करोषि, कि जो तू खाता है, जो पीता है, जो कर्म करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वो मेरे अर्पण कर दे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक व्यक्ति के रूप में नहीं है, जो अक्सर हम गलती करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं, वहां पर वो क्या कह रहे हैं, समस्त मानव जाति के लिए। तो इसलिए यज्ञ प्रक्रिया कब आएगी कि जब आप में समर्पण भाव हो। समर्पण भाव कब आएगा? अगली स्टेज जो आ जाएगी वो आएगी सर, समर्पण भाव तभी होगा कि जब आप वैचारिक दृष्टि से सर्वभूत हितेरता, कि सभी व्यक्तियों के कल्याण के लिए उद्यत रहें, केवल सोचना नहीं है बल्कि उसके लिए निरंतर कार्य करना है, जिसका उन्होंने उदाहरण जो है 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में और 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में कही है बात। और इसके लिए आवश्यक क्या है? सर्वत्र समदर्शन है, यानी जिसे आप इक्वलिटी की बात करते हैं फ्रेंच में, तो वो तो भगवद गीता में है, सर्वत्र समदर्शन है। 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक देखें आप, कि सभी को हम एक समान समझें, और इन सब के मूल में ये सारे भाव कब आएंगे, जिसका आशुतोष जी आपने जिक्र किया, वो है दैवीय संपदा, कि जब आप दैवीय संपदा वाले गुणों को लेंगे, कि जिसमें मूल में क्या है, हालांकि वो 26 हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मुख्य बात उसमें क्या है कि आपको आसक्ति रहित होकर कार्य करना है। आपको जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि इंद्रियों पर संयम रखना है, क्योंकि इंद्रियों पर संयम ना होने से व्यक्ति में व्यक्तिवाद और स्वार्थपरता आती है। तो इसलिए दैवीय संपदा के माध्यम से ही जो व्यक्तिगत से होकर सामाजिक मूल्यों की ओर ले जाती है, तो इसलिए दैवीय संपदा, जिसका विस्तार से वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय के पहले से लेकर 3रे श्लोक में किया है, और इसका विपरीत जो आसुरी संपदा है वो 4थे श्लोक में है। तो इसलिए जब तक हम इनका अध्ययन नहीं करेंगे, ताकि कोई भी आज की परिस्थिति में जिनके आपने बात की थी उसका हो सकता है, उनका समाधान इसी में है। संक्षेप में बता रहा हूं, अभी पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, और जिसमें केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह राज्य सरकारों के साथ मिलकर सामुदायिक रसोई की योजना बनाए। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि ये कौन सा विकास हो रहा है हमारा, कि एक और भारत के ही यदि आप देखें संदर्भ में, 1% लोगों का भारत की 70% जो है साधनों पर, संसाधनों पर नियंत्रण है, और दूसरी ओर जो बिलो 50% है उनके हिस्से में 10% से भी कम आ रहा है। तो ये जो अन्यायपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है वो इसीलिए हुई है कि हमने जो है लोक संग्रह को नहीं देखा। आज जैसे आपने कहा था शुरू में, लोक संग्रह आजकल एक नया टर्म आ रहा है इकोनॉमिक्स में, आपने देखा होगा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि हमने ये लोक संग्रह को समर्पण भाव को लिया होता तो इस कानून की आवश्यकता ही ना पड़ती। ये कानून लाने का अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं हम उन
जो आपने कहा ना कि क्या व्यक्ति अपने आप समर्पण कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये आजकल आप देख रहे हो बड़े बड़े उद्योगपति और ये फाउंडेशन चला रहे हैं सेलिब्रिटीज, ताकि उनका नाम भी होता है। तो ये जो भाव है ना नाम वाला, इसका खंडन किया गया है भगवान श्री कृष्ण द्वारा। वो ये नहीं कह रहे हैं लोक संग्रह अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो है दान दे उसके बाद अखबारों में और टीवी पर आपकी चर्चा हो। तो लोक संग्रह एक विचार है, एक हमारे सामाजिक मूल्य है आज के दिन, जिसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से है। यदि हम सभी उसमें, सरकार भी शामिल है और हम व्यक्ति के रूप में भी शामिल हैं, हम सब मिलकर लोक संग्रह की दृष्टि से, लोक संग्रह के मूल्य को पुष्ट करते हुए कार्य करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से केवल भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व जो है वो विकास कर पाएगा। और इस विश्व में आप कह सकते हैं कि जो दरिद्रता है, गरीबी है, अन्याय है, आर्थिक शोषण है, सामाजिक शोषण, वो सभी इसी से दूर हो पाएंगे। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि यदि संभव हो सके तो इसके ऊपर विस्तार से भी हम बात कर सकते हैं, और जी इन विचारों को, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में कहना चाहूंगा कि आपने ऐसे विषयों पर चिंतन करने का अवसर देकर और व्यक्तिगत रूप से मुझे अपनी बात कहने का जो अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। कभी हम उस दृष्टि से उस पॉइंट में हम विचार करें। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अभी तक पिछले 70, 75, 80 जमा ये अब सही समय है कि हम अपनी कॉम्पिटेंसी और अपनी एक्सपेक्टेशंस में तालमेल बिठाएं, जो लोग भारतीय संदर्भ में विचार करना चाहते हैं और उसमें वो स्ट्रेटेजी बनाएं प्रॉपर जो पोर्टेंट भी हो। और इसलिए इकोनॉमिस्ट का ये विशेष रूप से दायित्व तो हो जाता है कि एज ए डूअर, एज ए इंजॉयर एंड एज ए नोअर, हम जिम्मेदारी बन जाती है कि हम एक सेंसिबल इकोनॉमिक्स को डेवलप करने का प्रयास करें। इंटेलिजेंट इकोनॉमी हो, ये नहीं कि जो एक लीगल इकोनॉमी है उसके बराबर आप एक ब्लैक इकोनॉमी जो है उसको इतना बड़ा खड़ा करें कि हर वक्त उससे डरते रहें। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। और अब इससे पूर्व कि हम प्रेसिडेंशियल कमेंट्स कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए डॉक्टर श्री अजय जी को, अजय भारद्वाज जी को आमंत्रित करें, उससे पहले कि जैसा हमारी एक व्यवस्था रहती है ओपन हाउस डिस्कशन के लिए, आप लोगों के कमेंट्स के लिए, प्रश्नों के लिए, आप लोगों का जो भी दृष्टिकोण है उसको प्रस्तुत करने के लिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं। तो अपना परिचय दे करके आप अपनी बात अनम्यूट करके रख सकते हैं, आप में से जो भी अपनी बात कहना चाहता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न और जिज्ञासाएं रही होंगी बीच में आप सभी की, और विशेष रूप से जो इकोनॉमिक्स के बंधु हैं कोई टिप्पणी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है कि भी शायद अभी किसी डॉक्टर सूर्य जी, आप सर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस सारे विषय के ऊपर? नमस्कार नमस्कार डॉक्टर सर, मैं ऑडिबल यस यस यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंग्रेचुलेशन फॉर सेलेक्टिंग अ वेरी वंडरफुल एंड वेरी यूनिक टॉपिक। मतलब ये हम लोग कभी नहीं सोच सकते कि इस तरह से भी किसी टॉपिक पे वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू एंड योर को पार्टनर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए वंडरफुल वेबिनार। सर, चार थैंक वक्ताओं ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विचार रखे और मैं बहुत हद तक उन सभी से एग्री हूं कि इस समय व्हाट इकोनॉमिस्ट आर डूइंग, व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी एंड वेयर वी आर गोइंग।
But it is very clear from our past economist thought process that we can say, शुरू से ही अगर हम ये समझें कि जो हमारी विचारधाराएं रही हैं इकोनॉमिस्ट की, मतलब they have only one idea that how we can manage our resources in a that we can say desirable manner. किस तरह से justful management हो resources का, the gap between poverty, the gap between poor and rich should not be wider. किस तरह से हम लोग लोक कल्याण को बढ़ा सके, यही संस्कृत, यही गीता और यही मैं जहां तक समझता हूं है कि हम किस तरह से मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को अचीव कर पाए. और उसी राह पर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिस्ट काम करते रहे हैं कि हाउ वी कैन अचीव द मैक्सिमम सोशल वेलफेयर. अगर हम आज के समय की बात करें, ये शब्द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये क्यों इस समय इंपॉर्टेंट प्रूव हो रहे हैं? बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने इतना अंधाधुंध रिसोर्सेज का यूज किया. आज इकोनॉमिक्स खुद कहते हैं लिमिट्स टू ग्रोथ, कि हमें अपनी ग्रोथ को लिमिट करना चाहिए. मैक्सिमम कंट्रीज नाउ फोकसिंग ऑन दैट कि जीडीपी इज नॉट ए मेजरमेंट क्राइटेरिया टू नो द इकोनॉमिक प्रोग्रेस. वी शुड मेजर द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ वेलबींग, कितना वेलबींग है, कितना लोगों को कल्याण मिल रहा है. और कई देशों ने तो अपनी मेजरमेंट, प्रोग्रेस मेजरमेंट के लिए हैप्पीनेस को भी इंक्लूड कर लिया है, यानी हैप्पीनेस क्राइटेरिया. सो अल्टीमेटली वी कैन से सर वी आर ऑन अ राइट ट्रैक टू मेजर द वेलबींग एज अ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस. सो सच काइंड ऑफ डेलिब्रेशन, सच काइंड ऑफ वेबिनार इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रोडक्टिव टू क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स इन द सोसाइटी. So I wish कि इस तरह के वेबिनार्स और भी ऑर्गेनाइज किए जाएं और हमें पहले इन्फॉर्म हो ताकि हम सर पूरी तैयारी से सुने और टाइम निकाल कर. सो थैंक्स टू ऑल एंड थैंक्स टू डॉक्टर विनय सिंगल फॉर गिविंग अस अ चांस टू बी एंजॉय सच अ वंडरफुल वेबिनार. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल कमेंट्स. डॉक्टर आनंद गुरहिया जी, सर आर यू देयर? डॉक्टर आनंद, इन द मीन टाइम किसी और के कोई कमेंट्स हो? जी सर, मैं, नमस्कार सर. जी जी, हाँ जी मैम. जी सर, बहुत बहुत बढ़िया वेबिनार रहा. ऐसा लगा कि जैसे जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे जैनिज्म पे, मेरा सांख्यिज्म और जैनिज्म को का था ये टॉपिक, उनमें मोक्ष की अवधारणा. तो जब हम जैनिज्म पे काम कर रहे थे, अपरिग्रह जो ये पंच महाव्रत हैं, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो अधिक धन इकट्ठा करना या बेकार में वस्तुओं को इकट्ठा करना भी एक तरह की हिंसा माना गया था. और दान का जो महत्व है, मतलब ये जो है इकोनॉमिक बैलेंस के लिए ही शायद ये चीजें कही गई थी कि तुम्हें जितनी जरूरत है उतना ले लो, उससे ज्यादा अगर तुम रखते हो अपने पास तो वो जो परिग्रह है वो मतलब एक आपके लिए हिंसा के समान है, क्योंकि आप शायद किसी का अधिकार अपने पास रख रहे हो. तो आज के दृष्टि में अगर हम इसे देखें तो शायद ये बहुत अधिक लगता है, क्योंकि अगर हम अपने घर को भी देखें तो हम अपने घर में से सामान निकाल निकाल के भी दो घर बसा सकते हैं. शायद हम इतने परिग्रही हो चुके हैं. और कल भी इसी चीज पे चर्चा चल रही थी, क्योंकि इतना सामान, इतनी इकोनॉमिक सब तरफ से चकाचौंध है इंसान को, देखते देखते वो पता नहीं क्या क्या, अगर उसके पास अर्थ है तो वो पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर लेते हैं. और फिर उसे लगता है कि ये, थोड़े दिनों बाद उसे महसूस होने लगता है कि हमने इस पे अर्थ को बेकार में कर दिया, मतलब बेकार जाया कर दिया. और फिर उसे फेंकता भी नहीं है, उसे यूज भी नहीं करता. जी जी सर, तो ये सारा, ये सब कुछ भी इकोनॉमिक बैलेंस को सब कुछ गड़बड़ कर रहा है. जी, तो इस तरह के वेबिनार, मतलब जन जागरण के लिए शायद बहुत जरूरी है. जन जागरण तो बात की बात है, जागे स्वयं जागे, हम अनावश्यक संग्रह ना करें और अपने पास जो हमें धन मिलता है उसका, उसको बांटे. यहाँ पर दूसरी बात है, गांधी जी ने भी ट्रस्टीशिप की बात कही. हाँ, गांधी जी ने भी ट्रस्टीशिप की बात कही है, और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास धन है तो आप उसके स्वामी नहीं हैं, आप उसकी मात्र ट्रस्टी हैं, और ट्रस्टी होने के नाते उसका संरक्षण करना आपका धर्म होता है,
ये आपका कर्तव्य होता है। दूसरी बात यह है कि अभी जो पाश्चात्य का जो अंधा अनुकरण हो रहा है तो हमारे साथ डाइलमा हो गया है। वो डाइलमा क्या है कि क्या हमारा आर्थिक विकास, हमारा भौतिक विकास गरीबों को और कमजोरों को अनदेखा करके चलेगा? क्या हम अपना विकास कर रहे हैं तो सोशल बैलेंस को ध्यान में रखेंगे या नहीं, ये भी एक डाइलमा है। अगर हमारा विकास हो रहा है तो उसमें मार्जिनल महिलाओं को हमारा क्या, उनके प्रति मेरी क्या स्थिति है? विकास जो अंधा का अंधानुकरण हम कर रहे हैं पाश्चात्य देश का, उसमें पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है। तो जब तक हम इन सारी चीजों को देखेंगे नहीं तब तक हमारा विकास जो है एक बैलेंस विकास नहीं होगा और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। और यही कारण है कि हमारी उपनिषदों ने, हमारे वेदों ने यह स्पष्ट कहा है कि विश्व की सारी चीजें जो है उसमें ईश्वर निवास करते हैं, ब्रह्म की ही सब उत्पत्ति है। श्लोकार्धेन प्रदुक्तामि प्रदुक्त शास्त्र कूटिपि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मागना पर, संपूर्ण विश्व जो है ब्रह्म की ही परछाया है। तो ऐसी स्थिति में हम उन उपेक्षितों को, उनके गरीबों के हक को तोड़कर हम वहां इंडस्ट्री बैठा दें, यह कहां तक न्याय उचित होगा यह भी देखना पड़ेगा। और श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है मयाध्यक्षी न प्रकृति सुयते सचराचर, संपूर्ण प्रकृति का तो जो मैं ही व्याप्त हूं, और ईशा इदम सर्वं यत्किंचित जगतं जगत, तो वो भी बोल रहे हैं कि सारे विश्व में मैं ही हूं। तो ऐसी अवस्था में हम एक और मैंने एकांगी विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, और जब भी परिकल्पना हमें करनी पड़ेगी तो वो एक होलिस्टिक अप्रोच होगा। वह एक, जैसे मनीष जी ने कहा कि दिस मस्ट बी ए होलिस्टिक अप्रोच, और एक सर्व सारे लोगों को समाहित करके चलने वाला अप्रोच होगा। और यही कारण है कि बुद्ध के कूटदंत सूत्र में जो यज्ञ की परिकल्पना आई है तो उस यज्ञ की परिकल्पना में कोई अग्नि नहीं दी जा रही है, बलि नहीं दी जा रही है, बल्कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो पुअर कम्युनिटी से आ रहे हैं, उन सबों को समुचित दान देकर, धन देकर उनको अपने जीवन को सम्यक रूप से परिचालित करने के योग्य बनाना है। इन्हीं शब्दों सर एक मिनट अगर आप दें मुझे आशुतोष जी। आशुतोष जी एक मिनट लेना चाहूंगा। जी ईशा उपनिषद में भी कहा गया है कि अगर आप बिना कुछ काम किए, बिना हाथों से कुछ काम किए अगर खाना खाते हैं तो वो एक तरीके से चुराया हुआ खाना ही होगा। ये गांधी जी ने भी इसको कोट किया है बकायदा। और रही बात हमारी आज की डेट की रिक्वायरमेंट्स की, कि जो हम लोग मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स को, जो हम लोग भौतिकतावाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें हमें अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कर्टेल करनी पड़ेंगी, और जो सिर्फ जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, अगर हम उस पर ही स्टिक करें तो शायद हमारी जो आज की डेट में जो मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स की जो भूख है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। और तीसरी बात ट्रस्टीशिप का भी जो है, गांधी ने भी ये कहा था कि जो जितना भी जो कुछ हमने कमाया है ये हमारा अपना नहीं है, ये सब कुछ उस भगवान का है जिसने कि हमने सिर्फ उस पर अपनी लकीरें खींची हैं कि ये बाउंड्री मेरी है, ये बाउंड्री मेरी है, या इस पे हमने अपना कब्जा जमा रखा है, बट ये सब उस भगवान की है और वो हम उसके एक तरीके से अनुयायी हैं। अगर हम उसको आगे तक बढ़ा सकते हैं तो ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, बट वो मानवता का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जी धन्यवाद आशुतोष जी। डॉक्टर आनंद जी अंतिम टिप्पणी, और उसके बाद फिर हम प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स जो हैं वो लेंगे। आनंद जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? यस यस, बाद में पूछना सवाल। डॉक्टर आनंद गुरे हाँ जी, हाँ जी बोलिए।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही आनंद जी। अभी आ रही है, अभी आ रही है आवाज। हेलो डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही आनंद जी। सर आ रही है, प्लीज अपने को अनम्यूट कीजिए और फिर उसके बाद हम आज का जो है वो टिप्पणी जो है वो प्रेसिडेंशियल कमेंट्स की ओर। हेलो हेलो सर आ रही है, आप कंटिन्यू करिए आवाज आ रही है आनंद जी। मुझे ये पूछना है कि हम लोग अक्सर भारत में बाहर से जो टूल आता है, वॉट एवर द टूल, फॉर एग्जाम्पल काइजन इन जापान, इट इज यूज फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी। हियर डज नॉट मैटर वॉट टूल कम्स, वी ऑलवेज यूज इट टू कट द कॉस्ट, मेक इट चीपर एंड चीपर एंड चीपर एंड गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। जी जी जी। And not use it for making it better. And this has been our consistent activity for the last 50 years. Japan was considered to be making very third-class quality goods, but slowly they improved, and today Japan is at the top of quality. Whereas Indian goods sell only by cost, and nowhere are considered to be really good as far as quality is concerned. तो इसका इकोनॉमिक्स पे इंपैक्ट क्या होता है, या डज दिस बिहेवियर समवेयर अदर राइम विथ व्हाट इज गिवन इन गीता, क्योंकि गीता में तो दिया है कि अपना धर्म करो, हैव प्राइड इन व्हाट यू आर डूइंग एंड प्राइड इज बेटर देन पराठा। नहीं 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 सर, दैट डज नॉट सीम टू बी द केस। नहीं इतना ही नहीं कहा हुआ, और भी बहुत कुछ कहा। अशोक जी मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ क्या? अशोक जी जी आपकी एक मिनट टिप्पणी दे सकते हैं सर? सर मुझे लगता है कि हम सिर्फ अब प्रेसिडेंशियल कमेंट्स की ओर चलते हैं, उसके बाद फिर जो भी टिप्पणी होगी। आनंद जी ने वैसे बात बहुत सटीक और बहुत मूल्य परक जो है वो बात उन्होंने पूछी है, और वो प्रश्न जो है हम सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद हम लेकिन उससे पहले एक डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप जी। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर मैं सर के आनंद सर के ही बात पर ही। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर? जी जी जी। सर मैं डॉक्टर आनंद सर की बात पर ही कहना चाहता था। एक्चुअली में सर होता क्या है, हमने अपनी सारी चीजें जितनी भी प्राचीन चीजें हैं उन सब को बिल्कुल त्याग दिया है, हम उन चीजों को कभी भी कंसीडर ही नहीं करते, उन सिद्धांतों को कभी कंसीडर नहीं करते। जो ऑलरेडी वर्षों तक बनाई गई, हमारी अपनी व्यवस्था के अनुसार बनाई गई, लेकिन हम उनको कंसीडर नहीं करते। हम जो भी बाहर की चीजें आती हैं उसको भी, जो भी पूंजीवादी जो प्रायोजित होती हैं, जो किसी के हित में होती हैं, जिससे किसी का लाभ हो रहा होता है, हम सिर्फ उन्हीं को, और उनका उद्देश्य भी सिर्फ उतना ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए। तो आज उद्देश्यों की वो भी वो हो गई है, और क्योंकि प्रायोजित होता है तो जो उसे प्रायोजित करता है उसके हितों के अनुरूप उसका क्रियान्वयन होता है। तो और इस तरह के विचार भी नहीं है, जैसे ये वेबिनार बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्राचीन जो सिद्धांत हैं उनके हिसाब से वो हो रहा है। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली होने चाहिए इस तरह के विमर्श, क्योंकि प्रयास आगे आएंगी और तभी हम वो कर पाएंगे, वरना ये प्रायोजित लोग अपने हिसाब से ही चीजों को चलाते रहेंगे। जी 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 यही दिक्कत हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस आपके इस विचार के साथ सहमति देते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अजय भारद्वाज जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, चंडीगढ़ से हैं, और उनके बहुत सारे जो सोचने समझने के देखने के आयाम रहे हैं, उनकी अपनी जो एक समझ है इस सारे एक्टिव के बारे में, उससे हम अब परिचित होने का समय है, और मैं चाहूँगा कि वो सारे वेबिनार पे अपनी टिप्पणी भी रखें। और ये जो प्रश्न हमारे पास दो आखिरी आए हैं आनंद जी के और डॉक्टर राजेंद्र जी का, उसके ऊपर भी इसकी टिप्पणी करें,
और अपना प्रेसिडेंशियल कमेंट्स जो है वो अपने प्रस्तुत करें। श्री अजय भारद्वाज जी। धन्यवाद आशुतोष जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच में बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ना तो मैं एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री हूँ, ना मैं प्रबुद्ध दार्शनिक हूँ, ना मैं प्रबुद्ध संस्कृतज्ञ हूँ, लेकिन इस सारे जो ये वेबिनार हुआ है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हालांकि मैं ऐसे ही महसूस कर रहा हूँ कि मुझे एक थाली में आपने हलवा दे दिया है, एक थाली में खीर दे दी है, एक थाली में पेड़ा दे दिया है, और आप इनकी खिचड़ी बना के दिखाइए क्या क्या बना सकते हैं। इट वॉज सो ब्रिलियंट। और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप संस्कृत में रहते हुए संस्कृत की व्यवहारिकता जो है, जिसे हम संस्कृत को, जब भी हम संस्कृत के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा दर्शन के बारे में सोचते हैं, फिलॉसफी के बारे में सोचते हैं, लेकिन संस्कृत में हम आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके जो आयाम हैं वो सारे, जिस तरह से आप यदा कदा अपने सेमिनार्स में लाते हैं, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जितना अभी तक कहा गया है डॉक्टर सुधीर से लेके, और डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी ने बुद्धिज्म का पर्सपेक्टिव दे दिया, मनीष शर्मा जी ने गांधीन पर्सपेक्टिव दिया, अरविंद गुप्ता जी ने वैदिक पर्सपेक्टिव दिया, तो मुझे लगता है हमारा ब्रॉडली सारा कुछ ही कवर हो गया है। लेकिन क्योंकि मुझे दायित्व मिला है ये अपना प्रेसिडेंशियल करने का, तो मैं थोड़ा सा जो मुझे समझ आया है एज ए लेमैन, मैं बिल्कुल मैं एक्सपर्ट नहीं हूं किसी भी विषय में, लेकिन मुझे जो एज ए लेमैन समझ आया है वो एक सीधी सीधी सी बात ये है कि लगता है कि हर राष्ट्र का एक चित्त होता है, एक इथॉस होता है जिसे हम दैशिक चित्त कहते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो हमारा जो भारतीय दैशिक चित्त है उससे जुड़ी नहीं रही। हमारा जो चित्त है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, एंड समवेयर डाउन द लाइन वी हैव लॉस्ट साइट ऑफ इट। एंड और इसका जो प्रभाव है वो हम अपने सामाजिक जीवन पे भी देखते हैं, अपने राजनीतिक जीवन पे भी देखते हैं, और अपने इकोनॉमिक व्हाटएवर यू कॉल लाइफ में भी देखते हैं। तो जब हम चित्त से ही विच्छिद्ध हो गए हैं तो ये सारा के सारा जो हमारी आज मंत्रणा हुई है ये एक बहुत सार्थक है। और आशुतोष जी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काफी कुछ, जिस तरह सुधीर जी ने एक खिड़की खोली, अविनाश जी ने एक खिड़की खोली, मनीष जी ने एक खिड़की खोली, अरविंद जी ने एक खिड़की खोली, तो ये सारी खिड़कियों से जो हवा आ रही है उससे लगता है कि हमें दोबारा अपने बिखरे हुए कणों को संजोने की आवश्यकता है। इसका विच्छेद कब हुआ? जो हमारा एक चित्त था जो बहुत देर से चला आ रहा था, इसका विच्छेद हुआ जब अंग्रेजी शासन काल आया। अंग्रेजी शासन काल ने हमारे तंत्र मंत्र सब उधेड़ दिए, और हमारा और ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि जब हमने स्वाधीनता, मतलब वी गेन फ्रीडम, उसके बाद हमने उसको और भ्रष्ट किया। जो ब्रिटिश कर गए थे वो तो शायद मार्जिनल लगता है, लेकिन जब बाद में हमने किया अपने साथ वो दैट इज मोर सीरियस। आई थिंक वी डिस्ट्रॉयड आवर सेल्व्स मोर सीरियसली, मोर ग्रेवली आफ्टर वी एक्वायर्ड इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमें लगता था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है तो शायद हम अपने चित्त के प्रति दोबारा उसको विजिट करेंगे, रिविजिट करेंगे और रिकॉन्टेक्स्टुलाइज करेंगे उस अध्यात्म को जो हमारे से विच्छेद हो गया था, क्योंकि मुगलों का आतंक रहा हमारे ऊपर, ब्रिटिशर्स का आतंक रहा, और उस बीच में हमारा सारा समाज अस्त व्यस्त हुआ, हमारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई,
तो जब हमें स्वाधीनता मिली तो एक आशा रखनी चाहिए थी हमें, और हमें रखी भी कि शायद वो इट विल बी ऑल इन ऑर्डर और वील ट्राई टू पुट इन ऑर्डर वंस अगेन, बट इट नेवर हैपेंड। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो वापस अगर हम जाएं अपने एंशिएंट टाइम्स पे, हम जानते हैं कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसका मूलभूत जो है वो एग्रीकल्चर रहा है, उसका मूलभूत कैटल रियरिंग रहा है, और बाद में धीरे धीरे हमने उसको विनिमय में भी कन्वर्ट किया है, ट्रेड में कन्वर्ट किया है, जो जो हमें शक्ति मिलती गई, और ये इसका सारा विवरण जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। मैं कल ही एक बहुत विद्वत जन से बात कर रहा था कि कौटिल्य ने अगर लिखा है तो अर्थशास्त्र ही क्यों लिखा है उसने, हालांकि कौटिल्य इज नोन मोर फॉर हिज पॉलिटिक्स, की उसने पॉलिटी को डिस्क्राइब किया है, उसने बताया है कि शासन कैसे चलना चाहिए, बट आर्थिक जो पक्ष उसने लिखा है अर्थशास्त्र में उसका शायद जिक्र कहीं होता नहीं है ज्यादा। तो इस चीज को मैं कुरेता कुरेता जब पहुंचा तो फिर मुझे पता लगा कि अर्थ ही हमारा एक शक्ति का स्रोत है, अर्थ की रक्षा करना हमारा धर्म है, और अर्थ का सदुपयोग करना ये हमारा अध्यात्म है। तो इस तरह से अर्थ जो है वो जीवन का मूल है, लेकिन ये जो मूल है ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इस तरह से कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में काफी विवेचन किया, और हमने उसी थॉट के साथ साथ हमारी ग्रोथ हुई है। जब मेगस्थनीज आता है इंडिया में मौर्य काल में, वो अपनी किताब लिखता है, एक क्या नाम है, इंडिका है, मुझे क्षमा करना, जो भी है, लेकिन उसको वो पूरे विवरण देता है कि इंडिका में इंडिया में कृषि को ही एक पूज्य व्यवसाय माना जाता है, वो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है एक तरह से। और जो सबसे अच्छी बात कही उसने उसमें कि क्रॉप्स आर इन अबंडेंस लेकिन फैमिन नहीं होता, इंडिया में फैमिन होता ही नहीं था तब, जैसा उसका विवरण है जो मैंने उद्धृत करने का प्रयास किया है। उसके बाद है कि जो सबसे बढ़िया बात है कि एग्रीकल्चर, अब मैं कैसे कह रहा हूँ कि कृषि ही हमारा एक चित्त है, हमारा एक धर्म है, हमारा अध्यात्म है, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसने जैसे लिखा कि इंडियन वॉरियर्स रिगार्ड दोज एंगेज इन एग्रीकल्चर एज सीक्रेट, जो लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं उनको पवित्र मानते थे, मंदिरों में जो बैठे हैं उनको पवित्र मानते थे कि नहीं, ये नहीं उसने विवरण किया अपने अर्थशास्त्र में। उसने कहा कि इंडियन वॉरियर्स जितने भी थे दे रिगार्ड दोज एंगेज इन एग्रीकल्चर एज सीक्रेट, और फिर उसने आगे की जो लाइन लिखी है वो ये है, अनलाइक वॉरियर्स इन अदर कंट्रीज दे डू नॉट रेवेज फार्म्स ड्यूरिंग कंकस्ट, अगर वो जीत गए या हार गए कृषि को नुकसान नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं हमें अपना जो चित्त है, हमारा जो इथॉस है, उसका ये प्रदर्शन मिलता है इस सारी चीज से, और इसी चीज से हमने ग्रो किया। और हम जैसे डाउन द लाइन ऐतिहासिक रूप में, मैं आई एम गोइंग मोर बाय द हिस्टोरिक डेडलाइन, हम सोने की चिड़िया बने, हमारा व्यापार था, और धीरे धीरे आते आते हालांकि मुगल्स के इन्वेशंस भी हुए, लेकिन मुगल्स के इन्वेशंस ने बड़े देवर वेरी मायोपिक इन द सेंस कि उन्होंने धन लूटा, मंदिर से लूटा, इधर से लूटा, उधर से लूटा, चले गए। लेकिन ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने हमारे सारे सिस्टम को कैसे रेवेज करना है, कैसे डिस्ट्रॉय करना है, ये उन्होंने प्रयास किया, और उन्होंने उसको एक्वायर भी किया, उन्होंने अचीव भी किया। हमारा कंट्री जो था तब तक, जब ब्रिटिशर्स आए तब तक हमारा कंट्री वॉज बेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द शिप, इट वॉज द बेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ द डायमंड्स, इट वॉज द बेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ द टेक्सटाइल। तो हमारा कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे, जैसा मैं शशि थरूर की एक पुस्तक पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि 30% जो ट्रेड है वो भारत के पास था अंग्रेजों के आने से पहले। तो हम एक
क्या कहते हैं पीक पे पहुंच चुके थे अर्थव्यवस्था के, अर्थ को अर्जन के नाते। हालांकि आज का जो सेमिनार है वो अर्थ अर्जन पे नहीं था, वो अर्थ के आध्यात्मिक उपयोग के ऊपर रहा है। और मुझे अच्छा लगा कि अर्थ का आध्यात्मिक उपयोग के बारे में हम अच्छी अच्छी बातें की हैं, गांधीयन फिलॉसफी, बुद्धिज्म फिलॉसफी, लेकिन अर्थ को अर्जन करना कैसे है ये शायद हमारे पूर्वज आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छे तरीके से जान चुके थे। और इसका विवरण कौटिल्य ने भी लिखा है कि कोई भी व्यापारी 5% या 10% के बीच में लेगा अपना प्रॉफिट। 10% कौन लेगा? जो इंटरनेशनल ट्रेड से डील कर रहा है। वो क्यों लेगा? क्योंकि उसमें जोखिम ज्यादा है। तो हमारी सारी जो संस्कृति रही है आर्थिक, वो एक मर्यादित तरीके से रही है, वो आध्यात्मिक तरीके से रिलेटेड रही है, वो हमारे चित्त से रिलेटेड रही थी जब तक ब्रिटिशर्स आए। अब ब्रिटिशर्स के साथ क्या हुआ, जब उन्होंने इंडिया को अच्छी तरह से प्लंडर करना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया, हमारा यहाँ से माल जो है वो 18th सेंचुरी में उधर जाने लग गया, हमारे जो काम करते थे उस पे वीवर्स जो काम करते थे उनके अंगूठे काट दिए गए, हमारे जो शिपयार्ड्स थे वहां पे डिस्ट्रक्शन कर दी गई, हमारी इकोनॉमी को बड़े तरीके से कैलकुलेटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हमारी एग्रीकल्चर को बिल्कुल, हमारे एग्रीकल्चर लैंड ओनर्स को निकम्पूप कर दिया गया बिल्कुल, कि आप जीवित हैं तो सिर्फ इतनी ही दे सकते हैं और इतनी मर्यादा में ही रह सकते हैं। और हमारे जो उस समय के राजा महाराजा थे जो 365 366 थे, उनको धीरे धीरे बिल्कुल वो कर दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने हमारी इकोनॉमी को स्पाइनलेस बना दिया। जब उन्होंने हमारी इकोनॉमी को स्पाइनलेस बना दिया, फॉर एग्जांपल मैं अभी तरुण जी की पढ़ रहा था किताब, तो हमारा जीडीपी जो था वो 1820 में 16% था जीडीपी टू द इंटरनेशनल बाय इंटरनेशनल, बाय 1947 इट रिड्यूस्ड टू 4%। और हमारी जीडीपी ग्रोथ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो है वो 0.55% रही है। तो उन्होंने हमें इस तरह से निचोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हमारे कुछ प्रबुद्ध लोग थे जिनमें एक जागृति आई, जैसे सुधीर जी ने बहुत विस्तार से समझाया, चाहे वो अरबिंदो जी थे, चाहे गांधी थे, चाहे तिलक जी थे। अब जैसे मेरे पास एक दादा भाई नारोजी का भी रेफरेंस है कि उन्होंने the theory of drain into the invention of उन्होंने 1902 में कह दिया था कि ब्रिटिशर्स ने हमें ब्लीड किया है, ब्लीड इज द टर्म विच इज यूज बाय देम, हमें ब्लीड कर दिया गया है, इकोनॉमिकली ब्लीड कर दिया गया है, हमें इकोनॉमिकली ब्लीड कर दिया गया है, हमें मेंटली ब्लीड कर दिया गया है। ये दादा भाई नरोजी की किताब है इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, वो मुझे अभी उसका उद्धरण मिला तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ लेकिन हम इतने हताश नहीं हुए, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये इमेजिन किया कि अगर हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। उसके लिए एक पुस्तक उन्होंने उसका इंट्रोडक्शन लिखा, उसका नाम था दैशिक शास्त्र, वो बद्री शाह दुनघरिया जी की लिखी हुई किताब है, ये मुझे रेफरेंस अभी मिला है जब मैंने प्रयास किया। तो उसमें लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया, वो इनका वो इंट्रोडक्शन नहीं लिख सके, लेकिन बट ही एग्रीड टू द थॉट कि अगर पंजाब सॉरी अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है तो उसमें आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था वैसी ही होनी चाहिए जो मनुष्य के पूर्ण स्वरूप को, मनुष्य के पूर्णता को, मतलब पूर्णता को पूर्ण करे। इट शुड बी की कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द कंप्लीशन ऑफ मैन स्पिरिचुअली मेंटली एंड अदरवाइज। तो इस तरह का थॉट चला। मुझे लगता है महात्मा गांधी जब 1920 के आसपास आए तो उन्होंने शायद मेरे भाई ने भी अभी उसका संदर्भ दिया कि अनटू द लास्ट ऑफ जॉन रस्किन ही रेड एंड ऑल दैट, बट ब्रॉडली यस ही वांटेड टू इंडिजनाइज द इकोनॉमी।
वो चाहते थे कि इंडिजनाइज इस तरह से की जाए कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वो भी उसका उसका भी उत्थान होना चाहिए। चरखा जो शब्द है, चरखा जो कॉन्सेप्ट दिया गांधी ने, वो चरखा शब्द उस आदमी के लिए दिया है जिसके पास इंडस्ट्री नहीं है, वो चरखा उसके लिए दिया है जिसके पास कोई संसाधन नहीं है। तो उस चरखे से क्या करेगा, वो धागा बुनेगा, धागा बुन के कपड़ा बुनेगा, कपड़ा बुन के कुछ भी करेगा, तो कहीं ना कहीं आजीविका कमाएगा और एक संस्कृति को जिंदा रखता है, और ये ऐसी संस्कृति है जिसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। हमें ये भी समझना चाहिए कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उसके साथ साथ ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आ चुका था, और एडम स्मिथ ने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें बहुत कुछ लिखा उसने कि वेल्थ ऑफ नेशंस में उसने फिर एक लेजे फेयर की पॉलिसी दी। लेजे फेयर इस पॉलिसी का मतलब है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए। उसी फ्री ट्रेड के थॉट के ऊपर अमेरिका ने डेवलप किया, बाकी कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने डेवलप किया। उसका मतलब ये था कि ट्रेडर्स जो है दे विल हैव द फ्री हैंड, लेजे फेयर पॉलिसी, विच इज वेरी पॉपुलर। आई एम सॉरी, आप लोग इतने ज्ञाता हैं, मैं बीच में ऐसे थॉट्स फेंक रहा हूं, क्योंकि दे वर द टर्निंग पॉइंट्स, दे वर द टर्निंग पॉइंट्स इन द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, एंड इंडिया वाज पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइज सिविलाइजेशन, क्योंकि हम तब तक अंग्रेजों के मुरीद बन चुके थे। तो इसलिए लेजे फेयर आया, लेजे फेयर की फिलॉसफी आई, थॉट आया, उसके बीच में सारी चर्निंग हुई, उसके बीच में अंग्रेजों ने हमें लूटा, खसूटा, पसूटा, सब कुछ किया, हमारा हमारा खून तक निकाल, ब्लीडिंग ऑफ द नेशन, जैसे दादा भाई नौरोजी लिखते हैं और बाकी सब लोग लिखते हैं। तो हाथ पैर हमारे काट दिए गए ताकि हम अपने व्यवसाय से न जुड़े। दिस वॉज द वे दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और अब दुर्भाग्य की बात यह है, जो मुझे मुझे लगता है, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है और आशुतोष जी बार बार देख भी रहे हैं ऊपर मेरी तरफ, उसमें चिंतन की बात यह है कि जो हमारा चित्त था, जो हमारा इथॉस था, जो हमारा थॉट था, जिसको अंग्रेजों ने डिस्ट्रॉय किया, उसको हमने रीगेन करने के लिए क्या कोई प्रयास किया? जैसा एक मेरे बंधु ने कहा कि महात्मा गांधी ने कॉन्सेप्ट दिया इकोनॉमी का टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड ही थ्रू इट अवे, आशुतोष जी भी कह रहे थे। तो अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा ऐसा होता रहा, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को जीवंत रखना है, अपने उस विचार को जीवंत रखना है, और कहीं ना कहीं वो विचार क्रियान्वित भी होगा, मुझे विश्वास है। दीनदयाल उपाध्याय जी का मतलब लेट 50s और 60s में जो कंट्रीब्यूशन है इन द ग्रोथ ऑफ दिस थॉट, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मैं उनकी एक पुस्तक मेरे हाथ में है, तो मैं उससे उद्धृत करके थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। मानव का सुख ही अर्थोत्पादन का प्रमुख लक्ष्य है। मानव का सुख ही अर्थोत्पादन का प्रमुख लक्ष्य है तथा मानव शक्ति उसका प्रधान साधन। प्रकृति के साधनों का उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास ही मानव की आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य रहा है। जो इस उद्देश्य की सफल पूर्ति के साथ साथ मानव के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सके, वही उपयुक्त अर्थव्यवस्था है। जिस व्यवस्था में आर्थिक क्षमता तो बढ़े किंतु मानव के अन्य अंगों के विकास की शक्ति कुंठित न हो। और एक छोटा सा सेंटेंस, प्लीज बेयर विद मी फॉर अ व्हाइल, एक है छोटा सा सेंटेंस, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों व्यवस्थाओं में पूंजी के स्वामित्व के विषय में मतभेद है, किंतु दोनों ही दोनों की परिणति केंद्रीकरण है तथा एकाधिपत्य में है। फलतः दोनों मानव की उपेक्षा करती हैं। हमें ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जिसमें व्यक्ति की अपनी प्रेरणा बनी रहे तथा वह समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों में मानवता का विकास कर सके। तो ये अभी दीनदयाल उपाध्याय जी ने 60s में, लेट 70s में कॉन्सेप्ट दिया।
तो इस तरह का हमारा विचार है, इस तरह का हमारा व्यवधान है, इस तरह का हमारा संस्कृति रही है। तो मैं इन्हीं शब्दों से मतलब मैं एट द एंड ऑफ इट मैं सिर्फ यही आप सबके सामने एक प्रश्न उत्पन्न करना चाहता हूँ, सबके सामने प्रश्न रखना चाहता हूँ, क्या हम पुनः अपनी राष्ट्रीय चित्त से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था बना पाएंगे? ये मेरा प्रश्न है आज सभी श्रोताओं के लिए। क्या हम पुनः अपनी राष्ट्रीय चित्त से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था बना पाएंगे? इसी प्रश्न के साथ मैं समापन करता हूँ। हालांकि मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आशुतोष जी, और बहुत बहुत बधाई पार्टिसिपेंट्स को, और बहुत बहुत बधाई सबके लिए, और मुख्य वक्ताओं के लिए बहुत बहुत बधाई। सुधीर जी ने बहुत सुंदर तरीके से एक मार्गदर्शन स्थापित किया, अविनाश जी ने उसको और व्यवस्थित किया, मनीष जी ने उसको और सुव्यवस्थित किया, अरविंद जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात की। सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, और आशुतोष जी को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए मैं आप सबको, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रूम में साझी करना चाहूंगा, और किसी की कोई अगर बात होगी तो वहां पर हम इस आज का वेबिनार पूर्ण करेंगे, और समय भी हो चुका है। योग क्षेमो न कल्पताम, ये बार बार मंत्र में उद्घोष आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है अंगिरस जी। आशुतोष जी आपका नेटवर्क उड़ गया। ओके 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 एक सेकंड जी। उम्मीद करता हूँ आप क्लियर होगी आवाज। तो जी जी तो मैं धन्यवाद कर रहा था डॉक्टर साहब का कि जिस सहज रूप में उन्होंने सारी बात को आरंभ किया था, और वैचारिक स्तर पर और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जिस तरह से उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी हैं इस सारे विषय को लेकर के, वो निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य हैं। हम उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, और मैं साथ में यही कह रहा था कि इस तरह के जो वेबिनार होते हैं वो कोई कंक्लूजन की ओर लेकर के नहीं जाते, लेकिन वो हमारी दृष्टि का विकास करते हैं, विचार को सूक्ष्म करते हैं और भाषा में संवेदनशीलता लाते हैं। तो इस दृष्टि से ये वेबिनार्स आयोजित किए जाते हैं। वो मैं इस वेबिनार को पूर्ण दो तीन वाक्यों से बस करना चाहता हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई टिप्पणी होगी तो उसको लेते हुए जो है हम आज का ये वेबिनार पूर्णता की ओर अग्रसर करेंगे। एक तो जो मंत्र की एक पंक्ति, ऋग्वेद के मंत्र की पंक्ति, योग क्षेमम व आदाय, कि हम लोगों को योग और क्षेम साथ ही साथ प्राप्त हों,
कि जो हमने ग्लोरी खो दी थी, जो हमने एक सेंसिबल इकोनॉमिक्स खो दिया है, उसको हम पुनर्स्थापित करें और उसमें हम अग्रसर हो सकें। दूसरा जो वाक्य मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, जो कि इकोनॉमिक्स की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है कृष्यैत्वा क्षेमायत्वा रैयेत्वा पोषायत्वा। यजुर्वेद का ये मंत्र है और राजा के लिए है, जिसका मतलब किंग नहीं होता, कम से कम जहां तक मैं जानता हूँ। किंग जो है वो एक नितांत भिन्न रेफरेंस पॉइंट में वो अर्थ देता है, जबकि राजा जो है वो बिल्कुल ही एक अलग अलग अभिव्यंजना को देता है। तो खैर, लेकिन चार कर्तव्य उसके हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। एक है कि कृषि को उन्नत करना, ये उसकी फर्स्ट ड्यूटी है। दूसरा है जन कल्याण करना, तीसरा है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, और चौथा है जनता की सुख सुविधा प्रदान कर पुष्ट बनाना। ये राजा की ड्यूटीज हैं। लेकिन किंग की ये ड्यूटीज हैं या नहीं है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो उसका रेफरेंस पॉइंट है वो बिल्कुल ही अलग है। और एक अंतिम बात कहकर के मैं बात को यहीं रोकूंगा, वो भी अथर्ववेद से है। शत हस्त समाहर सहस्र हस्त समकिर, कि 100 हाथों से तुम कमाओ और 1000 हाथों से तुम दान पुण्य करो, तुम बांटो। तो अगर इतनी बात अगर हम लोग सभी समझा सके एक दूसरे को, तो मुझे लगता है कि एक बहुत मनुष्यता के भविष्य को हम एक सुरक्षित कर भी सकते हैं और उन्हें आश्वस्त कर सकते हैं मनुष्यता को, कि जो भविष्य है उसमें धरती भी जीवित रहेगी, हम लोगों को उपलब्धियां भी होंगी, समृद्धि और संपन्नता भी उपलब्ध होगी और वायलेंस कम होगी। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन फिर भी जाते जाते यदि किसी की कोई संक्षिप्त सी टिप्पणी है एक आध वाक्य में वो कर सकते हैं, तो मैं फिर धन्यवाद आप सभी का करूं। ताकि चलिए, इसी शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार जी के लिए, प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी के लिए, प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शर्मा जी के लिए जो चेयरपर्सन हैं गांधीयन स्टडीज के पंजाब यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके साथ साथ जिन श्रोताओं ने प्रश्न उत्पन्न किए, प्रश्नों को स्थापित किया, सुना, धैर्य पूर्वक सुना और इस सारे विषय को लेकर के विचार मंथन किया और इसको सफल बनाया, उनका प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे अंत में मैं धन्यवाद करता हूँ श्री अजय भारद्वाज जी का, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं चंडीगढ़ में, उन्होंने जिस तरह से अपने इस सारे बात को कंक्लूड किया है वो निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य है, कि ऐसी योग्यता हमें भी उपलब्ध हो कि बात कही भी जाए लेकिन हल्के फुल्के तरीके से कही जाए, विचार का भार ना उसके ऊपर हो, तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और जल्दी ही इसका सेकेंड पार्ट हम दोबारा टेकअप करेंगे और कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स और संस्कृत के लोगों के बीच में एक संवाद स्थापित हो सके, क्योंकि अभी तो ये बात की शुरुआत हुई है, पता लगा है कि कितने आयाम इस सारे विषय के हो सकते हैं, कहाँ कहाँ मटेरियल उपलब्ध है और कैसे हम इसको एक स्ट्रेटेजी के रूप में बना सकते हैं, और वो स्ट्रेटेजी कैसी हो, पोर्टेंट स्ट्रेटेजी हो, उसके रूप में हम इसको द्वितीय भाग में जल्दी लेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ कि इस विचार सत्र में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, थैंक यू। अब आप लोग छोड़ सकते हैं मीटिंग को जैसे आप लोगों की इच्छा, और यदि किसी ने फॉर्म नहीं भरा तो प्लीज वो फॉर्म भर दीजिएगा, लिंक शेयर किया हुआ है इसमें चैट बॉक्स में, तो यू कैन शेयर इट, यू कैन फिल इट, फिल द फॉर्म, तो आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।